हेलो गाइस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये लेक्चर 15 है जिसमें हम लोग HTML का पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेबल बनाई थी HTML में, और टेबल के दो जो स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और वो है रोज पैन एंड कॉल स्पैन। तो ये दो एट्रीब्यूट्स जो हमने वहाँ पर छोड़ दिए थे ताकि हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकें, बहुत ही स्पेशल है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये टेबल में। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं। जब हम लोग को टेबल कुछ ऐसी बनानी हो, ऐसी का मतलब यहाँ पे देखिए नेम लिखा हुआ है, तो नेम जो है वो अपने आप में एक बड़ा सेल है जो दो रो के बराबर है। ठीक ऐसे ही सब्जेक्ट को देखिए, ये सेल इतना बड़ा है कि ये पांच कॉलम के बराबर अकेला है, और ऐसे ही यहाँ पे टोटल देखिए दो रो के बराबर, और ये ग्रैंड टोटल वाली लाइन देखिए ये फाइव रोज सॉरी कॉलम्स के बराबर है। तो इस तरह का जो एडजस्टमेंट होता है टेबल में उसको हम लोग रोज पैन और कॉल स्पैन से एडजस्ट करते हैं। तो आइए इस टेबल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने एक HTML की फाइल बना रखी है टेबल नाम से, और जिसका ये नॉर्मल फॉर्मेट हमने पहले से दे रखा है, और एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो आउटपुट में भी कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल सिर्फ एक फाइल बनी हुई है। तो आइए इसमें टेबल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे टेबल टैग को स्टार्ट करना होता है, और टेबल में बॉर्डर कितनी लगानी है, साइज क्या है, कलर क्या है, ये सब हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल टैग यूज़ किया, बॉर्डर कलर हाइट विथ हमने यहाँ पे दे दी है, और TR हमने स्टार्ट किया, और लास्ट में टेबल हमने क्लोज किया। तो TR जो टेबल रो क्रिएट करता है, तो हम अपने टेबल में देखते हैं कि कितनी रो है टेबल में। इस टेबल में अगर आप देखें तो इसको एक रो हम मानेंगे, एक रो ये है 2 3 4 5 और ये 6, तो टोटल 6 रो हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही TR स्टार्ट करेंगे, तो ये पहली रो के लिए इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, दूसरी रो के लिए, तीसरी रो, चौथी, पांचवी और छठवीं रो, तो टोटल 6 रो हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट रो में क्या है ये आपको समझना है, टेबल को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए। इसमें देखिए फर्स्ट रो में कितनी सेल है, फर्स्ट रो में आप देखेंगे तो नेम वाली सेल है 1, फर्स्ट रो में फिर ऊपर ही आप जाएंगे सब्जेक्ट वाली सेल है 2, और फिर टोटल वाली सेल है। तो आप एक तरफ से यहाँ पे काउंट करेंगे, ये वाली जो रो है ये आप फर्स्ट वाले में काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट रो में कौन सा है, नेम है, सब्जेक्ट है और टोटल है, ये सिर्फ 3 है। तो यहाँ पे आइए वापस, और 3 सेल हमें क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट रो में हमने यहाँ पे TH स्टार्ट किया, अब TH कितने होंगे, 3, क्योंकि फर्स्ट जो रो है वो हेडिंग वाली रो है और उसमें हेडिंग्स हैं 3, तो हमने 3 TH स्टार्ट किए। यहाँ पे फर्स्ट वाले में नेम है, TH को क्लोज कर दीजिए, सेकेंड वाले में सब्जेक्ट है, TH को क्लोज, इसके बाद थर्ड वाले में टोटल का कॉलम, तो हमने थर्ड वाले को भी क्लोज कर दिया। तो हमारी जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट हो जाएगी, आप अपनी फाइल में इसको रन करा के देख सकते हैं। ये देखिए नेम, सब्जेक्ट और टोटल, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों सेल इक्वल दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें इक्वल नहीं रखना है, इसको बढ़ाना है और इसको बढ़ाना है डबल रो के बराबर। तो आइए वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम में, जिस सेल का साइज बढ़ाना है उस पे पहुंचिए, ये नेम वाला बढ़ाना है, और अगर रो के साइज के बराबर करना है तो रो स्पैन करिए, कॉलम के साइज के बराबर करना है तो कॉल स्पैन करिए। तो नेम को हमें 2 रो के बराबर करना है, आप टेबल में देखिए यहाँ पे देखिए नेम जो है 1 रो, एक अगर सब्जेक्ट वाले को माने तो ये, और उसके बाद ये हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट वाला, ये दूसरी रो, तो 2 रो के बराबर है। तो हम यहाँ पे रोज स्पैन करेंगे कितना, 2, 2 के बराबर है। अब इसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट जो है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स के बराबर है, यानी ये जो सेल है ये कॉलम्स में इक्वालिटी रखता है, कितने कॉलम्स है, 5। तो यहां पे आपको क्या करना है, कॉल स्पैन लगाना है इक्वल 5। अब टोटल वाले पे पहुंचते हैं, तो टोटल में आप देखेंगे तो टोटल हमारा 1 एंड 2, 2 रोज के बराबर है, तो उसको रोज की इक्वालिटी देते हैं रोज स्पैन करके 2। इसको सेव करिए, फाइल पे अपने आइए, ये रहा आपका प्रोग्राम आउटपुट।
अब देखिए यहाँ पे इसका साइज बढ़ गया और इसका साइज बढ़ गया है। वापस से प्रोग्राम में आते हैं। अब नेक्स्ट जो रो है, आप टेबल को देखिए यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट रो है वो क्या है? फर्स्ट रो में तो ये तीन सेल थी, नेम, सब्जेक्ट और टोटल। अब जो सेकेंड रो है वो ये है। अब सेकेंड रो में देखिए सिर्फ पांच सेल हैं, 5 सेल्स हैं जो सेकेंड रो है, यहां से यहां तक, इसको हम सेकेंड रो मानेंगे। तो यहां पे पहुंचते हैं हम सेकेंड रो, जो यहां से स्टार्ट हो रही है। सेकेंड रो में हमें अभी भी ये हेडिंग वाला ही चलेगा, तो TH स्टार्ट करते हैं, यहां पे देते हैं हिंदी, TH को क्लोज कर देते हैं। तो इसको हमने यहां पे सेव कर दिया। अब इसके बाद अपना आउटपुट देखते हैं, यहां पर रिफ्रेश करिएगा तो ये देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हमने लिए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट वाला सेल है वो 5 कॉलम के बराबर है, ऑलरेडी हमने सेट कर रखा है, तो उसने इसको एडजस्ट कर लिया। और इसमें 5 कॉलम थे यानी 5 सेल थी, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे एडजस्ट हो गई। तो 2 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद जो तीसरी रो है उसमें नॉर्मल वैल्यूज़ हमें फिलअप करनी है, तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेते हैं। ये थर्ड रो, इसमें अब क्योंकि डेटा फिलअप कर रहे हैं ना कि हेडिंग, तो TD ले लेंगे। यहाँ पे नाम देते हैं, यहाँ पे ABC नाम दे देते हैं, TD को करते हैं क्लोज। इसके बाद सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, जैसे हिंदी में हमने दे दिया TD 45, TD क्लोज। ऐसे ही हमने इसको कॉपी कर लिया। अभी फिलहाल हम सारे में सेम दे देते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, 5, तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए। लास्ट में इनका टोटल भी है, तो टोटल के लिए भी एक बना देते हैं 25, या कुछ जो भी आउटपुट आपका आता है वो यहाँ पे देते हैं। तो ये हो गई हमारी जो थर्ड रो है, इसको कॉपी कर लीजिए। ऐसे 3 रिकॉर्ड्स हमें चाहिए थे, तो TR छोड़ के बाकी कॉपी करिएगा। कॉपी, यहाँ पे TR ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। वैल्यू सेम ही रखते हैं, इसमें भी कर दीजिए पेस्ट, क्योंकि हमें 3 रिकॉर्ड चाहिए थे। इसको सेव किया, वापस अपने आउटपुट पे चलते हैं। ये आउटपुट, इसको रिफ्रेश करिए, तो ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका आ गया। अब इसके बाद लास्ट में जो है वो लास्ट वाला सेल इन सब के इक्वल है, और फिर इसका टोटल है। तो इन सब के इक्वल बनाने के लिए हमें फिर क्या करना होगा, क्योंकि कॉलम्स के बराबर है सेल जो है, वो कॉलम्स के बराबर है, इसलिए कॉल स्पैन लगाते हैं। तो ये रही हमारी लास्ट रो। लास्ट रो में सिर्फ 2 सेल है, देख सकते हैं आप। लास्ट वाली रो ग्रैंड टोटल 1 सेल, और ये टोटल वाला ये 2 सेल, सिर्फ 2 ही सेल है। तो यहाँ पे आ करके हम TD देते हैं, जिसमें हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल, TD को करते हैं क्लोज, और सेकेंड टोटल यहाँ पे देते हैं जैसे कि 325। इसको सेव करिए, वापस से आइए और रिफ्रेश करिए। अब यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल और ये दोनों यहाँ पे इसके इक्वल आ रहा है। हमें करना क्या है, ग्रैंड टोटल को 1 2 3 4 5 6 6 कॉलम के बराबर करना है। तो हम यहाँ पहुँचे अपने प्रोग्राम में, और ग्रैंड टोटल में हमने लगाया कॉल स्पैन 6 कॉलम के बराबर। सेव करिए इसको, वापस से प्रोग्राम में रिफ्रेश करिए, तो ये देखिए ग्रैंड टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इस तरीके से हम रोज स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करते हैं टेबल्स में, कॉलम्स और रोज के अकॉर्डिंग अपनी सेल के साइज को एडजस्ट करने के लिए। बाकी की जो सेटिंग्स हैं, बैकग्राउंड या फिर मैटर को सेंटर पे लाना, बोल्ड डिटेल के अंडरलाइन करना, या जो भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं टेबल की, वो इसके पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट और क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।